आज हम लोग ये तीन टॉपिक कंप्लीट करेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, थर्ड पॉइंट रहेगा अपना न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले तो देखें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वास्तव में जो हम लोगों ने कल यानी पहले वाले वीडियो में जो देखा था इनर्शिया, ठीक, यानी जड़, तो वही जड़ को ही व्याख्यित करता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। के अनुसार क्या है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी और गतिशील है तो गतिशील बनी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, यानी गति की अवस्था है तो गति की अवस्था को नियंत्रित कर जाएगी, वो नियमित रूप से उसी में बनी रहेगी, और यदि वो स्थिर है तो स्थिर ही बनी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ये न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में अपना बताया, यानी जड़त्व का जो नियम है उसी को हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है मोमेंटम, तो मोमेंटम इसको हम हिंदी में संवेग कहते हैं। तो संवेग क्या है, ध्यान देना, संवेग किसी वस्तु का संवेग, यदि वो भी वेग से चल रही है, यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और वह भी वेग से चल रही है तो द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग होता है, जिसको हम p से डोट करते हैं, P इक्वल हो जाएगा mv। और अगर इसको देखें तो यहाँ पर m एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि v एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो जो अपना फिर से जो क्वांटिटी प्राप्त होती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी p एक सदिश है। अब p के बारे में अगर और चर्चा की जाए तो संवेग, पहले हमने बताया कि संवेग किसी वस्तु को, यदि m द्रव्यमान है उसका वेग v है, m द्रव्यमान की वस्तु वेग v से लगातार गति कर रही है, उसमें जो संवेग निहित होगा वो p इक्वल mv के इक्वल होगा। और इसकी अगर यूनिट निकाले आप तो m को कहेंगे किलोग्राम और v होगा मीटर पर सेकेंड, इसमें आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। अब देखेंगे सेकेंड, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इन्होंने बताया किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होती, यानी m प्रोपोर्शनल डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत आया। अगर इसको हम आगे बढ़ते जाए तो फाइनल इक्वेशन क्या बनती है इसको देखेंगे। इसमें यदि हम इक्वल लगाए तो कांस्टेंट आएगा k डेल्टा p / डेल्टा t। अब इसमें यदि लिमिट रख दी जाए, लिमिट का मतलब है डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म समय अंतराल है, तो के यहाँ इनटू आएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब लिमिट यहाँ से रख देगी, यहाँ डेल्टा की जगह पर डी हो जाता तो के और डी पी बाई डी टी। अब ध्यान देना ये k की वैल्यू 1 है, ये प्रैक्टिकली देखा गया k की वैल्यू 1 होगी, f इक्वल हो जाएगा dp / dt। अब चूंकि अभी हमने देखा कि संवेग p इक्वल होता है mv, इसमें पुट करेंगे तो f इक्वल हो जाएगा d / dt और mv। अब इसमें देखा जाए तो वेरिएबल यानी जो परिवर्तनशील है वो v है, किसी वस्तु का द्रव्यमान में कमी हो रही है ना वृद्धि, यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करती हुई अवस्था उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल वेग होगा। f इक्वल आएगा m dv / dt। अब क्योंकि वेग परिवर्तन की जो समय दर होती है उसको हम कोण कहते हैं, तो वो हो जाएगा f इक्वल ma। इस प्रकार से ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इक्वेशन जो बनती है उसको ले में, और इसको पहले कहेंगे क्या कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उस पर संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, उसी को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एफ इक्वल एम तक जाएंगे।